लुईस यादव के पीछे भाई 3 करोड़ रुपया को खर्चा करो। हेलो गाइस, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। दोस्तों, आप में से काफी सारे लोग शेर को तो जानते ही होंगे, जो कि इंस्टाग्राम के ऊपर फनी रील्स बनाते हैं, और आपने भी इस बंदे का सोशल मीडिया के ऊपर कहीं ना कहीं रील्स जरूर देखा होगा। तो गाइस, अभी यहाँ पर अनूप चाल के चैनल पर शेर का एक पॉडकास्ट आउट हुआ है। वहाँ पर शेर ने ये बताया कि वो एलविश यादव के इतने ज्यादा बड़े वाले फैन है कि जब एलविश यादव बिग बॉस ओटीटी में गए थे, तब उन्होंने एलविश यादव को शो जितवाने के लिए अपने 1.5 लाख रुपए खर्च कर डाले थे। और गाइस, उन्होंने इस बारे में क्या कहा है आप लोग खुद देखिए। एलविश यादव के पीछे भाई 3 करोड़ रुपया को खर्चा करो, कैसे करो भाई? 3 करोड़ को ना करो जी। 3 करोड़ को ना करो, कितने का करो भाई? 1.5 लाख को करो। 1.5 लाख को जी, एलविश यादव के पीछे 1.5 लाख को, 1.5 लाख को करो। मैं झूठ बोलता हूँ ना? बढ़िया यार भाई, ऐसे करा, मुझे खुशी है, मैं करूँ 10 लाख को कर दे तो, अगर मेरे 2 रुपया हो तो। अच्छा जी, मैं अब भी बता रहा हूँ भाई, एलविश भाई तो वहां जीते समझ लो, मैं जीत को मेरे घर पूरी रात और 2 दिन तक मजमा लगा तकड़ो। हाँ मतलब भंडारा करवाया एलविश भाई जीतने पे आपने? भंडारा भी करवाया, भंडारे से पहले तो निचल गो मैं बिरयानी बिरयानी भर भर के बेची, बिरयानी फिर रोटी क्या लगो एलविश में ऐसा जो इतना प्यार है भाई, वह खूबी है ऑटोमेटिक भगवान को वास। देखो बैरागी को बेटा हूँ, इंसान में नू दिख जा, इसमें भगवान को, इस बंदे में भगवान को वास है। तो बाकी गाइस, आप लोग ऐसे क्रेजी फैंस के बारे में क्या कहना चाहोगे जो कि अपने क्रिएटर को इतना ज्यादा सपोर्ट करते हैं, और इसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट करके जरूर बताना। एंड ऑल्सो गाइस, यहाँ पर शेर फाइनली अपने फेवरेट क्रिएटर एलविश यादव से भी मिल लिए। एंड गाइस, शेर को एलविश यादव की वीडियोस में भी काम मिल चुका है। एंड गाइस, शेर एलविश यादव के गुड़गांव पार्ट 2 के अंदर दिखाई देने वाले हैं। बाय स्टाइल शेर भाई, कलाई है, कलाई भाई, कलाई कहने। बहुत बहुत स्वागत है भाई, शेर भाई का हमारे ब्लॉग में, और शेर भाई को हम लॉन्च भी कर रहे हैं आज वेब सीरीज में, गुड़गांव एपिसोड 2 के शूट में हमारे शेर भाई का बहुत मुख्य रोल है। धन्यवाद। तो बाकी गाइस, यहाँ पर आप लोग शेर और एलविश यादव के बारे में क्या कहना चाहोगे, अपने ओपिनियन नीचे कमेंट कर जरूर बताना। एंड आज के लिए बस इतने अपडेट था, जल्दी लौटूंगा नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज बिल्कुल ना भूलें।